ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਆਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ EMO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ MLR ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो नीचे में इनके रूम में आए थे बातचीत करना, चाय कॉफी हुआ, कुछ हॉस्पिटल की बातचीत कर रहे थे। इतने में दीपिका मरी हाइपर फेक एलिगेशंस गाली गलौज। तो पापा मैंने कहा भाई गाली गलौज की बात है, मैं थका हुआ रहा हूँ लेकिन डिस्कस हम बैठ के आपसे से बात कर सकते हैं और इसीलिए मैं आया था। तो एलिगेशन चालू हुआ है सडनली, ये उसको पकड़ के फाड़ दिया, मैं निकलने लगा फिर पकड़ दी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, तब तक बाहर से उन्हीं का स्टाफ भी आ गया, मेरा तो कोई स्टाफ भी नहीं था वहाँ। हमला किसी से किया? हमला किसी से किया आपसे? नहीं ये मेरे को नहीं पता था, मैं तुरंत बाहर आया, तुरंत मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और तो कोई था ही नहीं, कोई स्टाफ भी नहीं, कोई कुछ नहीं। और बाकी सारे स्टाफ के मेम्बर्स अंदर आए, वो डिफरेंट यूनिट थे। तो फिर मैंने हायर अथॉरिटी को पुलिस को फ़ोन किया कि जल्दी से पुलिस मुझे, फिर मैं बाहर। तो अजीब गरीब एक इंसान बंदा जैसा होता है ना, आज मैं पागलपन की हद से सर, मैंने बोला कि यहाँ तक बोला कि तुम अपना साइकेट्रिस्ट से इलाज कराओ, मेरे को लगता है कि यू आर नॉट इन गुड सेंसेशंस। इस तरीके के एलिगेशन उन्हीं लोगों में होता है जिनको बीमारियाँ होती हैं, एकदम से इल्यूजन डिल्यूजन और सीजोफ्रेनिया, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मैंने कहा तुम अपना इलाज करो बस चलो और मारपीट। सर जैसे डॉक्टर रजेश अग्रवाल का कहना कि वो OPD में बैठे थे, आप आए बात करते करते आपने जूती मारनी शुरू कर दी सबसे पहले, उनका मैंने चप्पल पहनी है, ये बात गलत हो गई। मैं थिएटर से आया, थिएटर की चप्पल है, थिएटर से आया मैंने आगे बैठा, मैंने चलो खाली हो गए हम बात करते हैं चाय कॉफी में और इसमें चलो। तो मैंने बोला तुमको इल्यूजन होता है, हम कहते हैं सब लोग चोर हैं, ऐसा नहीं है, ये तुम्हें इल्यूजन, तुम्हें बस साइकेट्रिस्ट से बात करो। उसके बाद वो चालू गए गालियाँ मकना चालू कर दी, ये पकड़ा हुआ पता नहीं कैसे। फिर पुलिस को सबसे पहले कॉल की, इसलिए बुलाया गया, आई वॉज अलोन, मैं वहाँ अकेला था, वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था, उनका सारा स्टाफ बैठा था, स्टाफ उनके बात के आ गए। उसके बाद जब हायर अथॉरिटी पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आई, तब जाके मामला सामने। ये मारपीट जो झगड़ा OPD में हुआ है? नहीं मैं OPD में बैठा हुआ था। OPD आप बैठे? मैं ऊपर से थिएटर से ना, मैं करीब 8 बजे वहाँ से निकला हूँ थिएटर से, मैं नीचे आया तो देखा थिएटर खाली, तो मैंने चलो बैठ के चाय कॉफी करते हैं, मैंने चाय के लिए बुलवाया, मैंने कहा चलो बैठ के चाय पीते हैं विल डिस्कस, एंड सडनली ये बिकेम वायलेंट। आपकी तरफ से कंप्लेंट की पुलिस को? नहीं मैंने तो पुलिस को हेल्प के लिए बात की, अभी तक हमने पुलिस को कंप्लेंट ही नहीं। मैंने तो दो डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर जयेश अग्रवाल आए, उस तो बाद डॉक्टर पंकज त्रिवेदी आए, तो दोनों की अनुवाद करते हैं, तो इन्होंने देते बाकी जी दो पेशेंट पर, तो इन्होंने ऑक्सीजन जिससे हॉस्पिटल शुरू कर जो बनता सत्ता वो बैठे अनुवाद। सर कोई ज़्यादा इंजर भी हुआ दोनों जो? नहीं ज़्यादा ठीक है, बाकी अपनी इंडस्ट्रियाँ तो बोल रहा हूँ उसको बच्चे। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ TV।